टीकमगढ़ पुलिस ने अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने का कार्य शुरू कर दिया है। पुलिस बल के साथ अवैध शराब के ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापामार कार्यवाही कर कच्चे लहान को नष्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ML चौरसिया के निर्देशन में अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत मंगलवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने शहर के न्यू बस स्टैंड के पास कुछ बंदियाने मोहल्ले में अवैध शराब के अलग अलग ठिकानों पर कोतवाली प्रभारी प्रीति भार्गव के नेतृत्व में दबिश दी गई, जिसमें शराब के ठिकानों पर कच्चे लहान नष्ट किया गया। साथ ही हाथ भट्टी देसी मदरा शराब को जब्त किया गया। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। काफ़ी दिनों से सूचना आ रही थी कि वहाँ पर कच्ची जो शराब है गुड़ की लहान वाली वो बनाई जा रही है, तो सूचना की तस्दीक हेतु मैं फोर्स के हम लोग रवाना हुए थे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर। तो वहाँ पर कुछ मात्रा में हमको कच्ची जो पूर्ण रूप से पकी हुई नहीं थी, कच्ची शराब थी, तो वो कच्ची अवस्था में प्राप्त हुई थी, जिसे हमने नष्ट कर दिया था। मैडम, कैसे कितने डब्बे थे वहाँ पर जो नष्ट किए गए? 30-40 डब्बे थे जो नष्ट किए गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।